एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से करने जा रहे हैं शॉपिंग, और वो मम्मी के छोटे बहू के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं मम्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो जो मेरी देवरानी है उसके लिए तीज का जो त्यौहार होता है, सबसे पहला त्यौहार वो ससुराल की तरफ से जाता है, तो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मेहंदी हो गई, मेकअप का सामान हो गया, मतलब श्रृंगार के सारे सामान होते हैं, कपड़े हो गए, मिठाई, फ्रूट्स वगैरह। और जैसे कि सावन चल रहा है तो इस हिसाब से उसमें झूला पट्टी भी होती है, सबसे मेन वही रहता है और रहता है श्रृंगार का सामान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, देखते हैं क्या क्या लेते हैं, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे कपड़े, जो कि फिर हम लोगों ने ना सूट लिए, तो जो अच्छे लगे थे वो ले लिए। बाकी का आप लोग कमेंट में बता देना कि क्या चीज़ और होनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, ये आंटी जी की दुकान है, ये है मीनार गेट पे। तो इनके पास कुर्ती और सलवार का स्ट्रिच भी मिल जाएंगे, कपड़े के भी मिल जाएंगे, जो कपड़े रहते हैं ना वैसे वाले। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा मुझे इनका। अगर आप जाना चाहते हैं तो इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, जो कि है मोटा टिक्की वाले हैं। जो लोग पलवल से हैं उनको सभी को पता है कि मोटा टिक्की वाला बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अपोजिट साइड में इनकी शॉप है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं, एक बार विज़िट ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास कुर्तों का, और वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस में हैं। आप जाओगे तो आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगा फर्स्ट टाइम में। और यहाँ इनके पास ये बैग वगैरह भी हैं, साथ में आप लेना चाहो तो बैग भी ले सकते हो। और बाकी का हम लोग छोटा मोटा बहुत सारा सामान था। और इनके पास हाँ, वो जो ना अनारकली वाली कुर्ती थी वो 350-300 रुपये से उसकी स्टार्टिंग थी। चाहे आप कुर्ता ले लीजिए या अनारकली वाली कुर्ती ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी, और ये है वो आंटी जी जिनके नाम से ये शॉप है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी हम लोगों को। तो यहाँ से फिर हमने देखी झूला पट्टी, और ली है मामी के लिए साड़ी, तो वो भी देखी थी। सारा मार्केट में हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, बट छोटे पापा को घर पे छोड़ के आए थे, तो इसलिए हम लोगों ने जहाँ तक हो सका वहाँ जल्दी जल्दी सारा सामान लिया। और जिसमें कि स्लीपर थी, यहाँ पे आके हम लोगों ने थोड़ी सी साड़ियाँ देखी जो कि डेली वेयर की और कुछ पार्टी वियर टाइप की। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये झूला पट्टी देखी। तो ये जो देखी थी वो पता है मजबूत नहीं थी, तो इसकी वजह से हमने ली नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ दो तो ऐसी दो, कम से कम इंसान यूज़ तो कर सके। इसका क्या था, ये तो बस एक सो पीस की तरह थी, तो इससे हमने ये नहीं ली, इसलिए हम अलग से बनवाएंगे वो रस्सी और पटली ले के। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं घर पर क्या हो रहा है, छोटा बाबू कैसा है। हम मार्केट गए थे। हाँ चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ बच्चे नहीं जाते ना कभी कभी, तो बच्चे नहीं जाते ना। बाबू तो नहीं रोया, आपने खिलाया बाबू को? आ जाओ, रोया तो नहीं पपी? रोया तो नहीं? चलो अच्छा बच्चा है, ये रोता नहीं है। देखा छोटा बाबू अच्छा है ना, रोता नहीं है। आज भी रोया था? So guys, अभी हम आ गए घर पे, और हम लोग जो भी शॉपिंग करके आए थे अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और अभी तीज का त्यौहार है, तो ये सामान भेजा जाएगा मेरी देवरानी के लिए, और क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और प्लस जो भी जाता है, जैसे कि त्यौहार है तो जो भी त्यौहार में वो सामान जाता है, जितना भी है, श्रृंगार का हुआ, कपड़े हुए, चप्पल जूते जो भी हुए, तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसे भी आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेकर आए थे। ये तो है पहले साड़ी, ये एक मामी के लिए लाए हैं हम लोग, मम्मी से मंगाई थी तो इसलिए लेकर आई। ये बड़ी प्यारी कैटलॉग में साड़ी है और बहुत ही सुंदर है, इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा है ना, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। इसके साथ है एक और ये वाली साड़ी,
बैंगनी कलर है इसका और ये भी बड़ी प्यारी है। और कपड़ा इनका सभी का बहुत सॉफ्ट है। इसका कपड़ा जॉर्जेट में है और इसका जॉर्जेट मिक्स सिकॉन है, तो दोनों ही बहुत प्यारी साड़ियाँ लगती हैं। मैं अपने लिए एक कुर्ता लेके आई थी जो कि आंटी की दुकान से लेके आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो वहाँ अगर आप मीनार गेट पर जाओ तो एक बार विज़िट ज़रूर करना, काफ़ी अच्छे उनके पास कुर्ते कुर्तों का सेट है। और जो कि 350 रुपये का है, जो अनारकली कुर्ता रहता है ना उस टाइप के, जैसे आपने मुझे ब्लैक वाला कुर्ता पहनते हुए देखा होगा मोस्टली, वैसे उनके पास 350 रुपये के हैं। कैसा भी लीजिए, ठीक है, बंदेज में भी बर्थ था उन पर, तो ये मैंने लिया है अपने लिए। इसके मैं प्राइस बता सकती हूँ, इसके क्या प्राइस है, ये लिया है फुल लेंथ इसके कुर्ते की है, साथ में इसके ये पैंट दी हुई है, यहाँ पे इलास्टिक है, ये है इसकी पैंट और साथ में इसके दुपट्टा है। और इसका प्राइस जानोगे कितना है, इसका प्राइस है 650 रुपये। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और रीज़नेबल प्राइस भी थी, तो मैंने ये ले लिया एक अपने समझ में, तो ये लिया है। अब मैं दिखाती हूँ हमने रेनी के लिए क्या क्या लिया है मेरी होने वाली देवरानी के लिए। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर चप्पल, जो कि उसकी जो हार में जाएंगी फर्स्ट टाइम, मेरी जब शादी होने वाली थी तो रक्षा मिल गया है, हाथ के हार पड़ा था तब मेरे लिए भी आई, तो ये हमने स्लीपर लिए उसके लिए, स्लीपर लिए प्लस मेकअप का सारा सामान लिया है, जिसमें कि सिंदूर नहीं है, बाकी का सब कुछ है। वो मम्मी ने कहीं रख दिया है तो मेरे को मिल लिया, और मम्मी घर पे नहीं है, जो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या है। उसमें चूड़ियाँ हैं, काजल है, लिपस्टिक है, बिंदी है, सिंदूर नहीं है बस है, रुमाल है, कंघा है, तो ऐसे करके 5 या 7 चीज़ें हैं। और सबसे मोस्ट मेहंदी है, क्योंकि तीज पर मेहंदी लगाई जाती है, तो मेहंदी का पूरा बॉक्स रखा गया है, जैसे कि तीज वाले दिन जो ससुराल से सामान आता है तो वो मेहंदी है ना, वो बटती है आस पड़ोस में या अपनी फ्रेंडों में, तो वो बांट सकते हैं, इसलिए पूरा पूरा ही पैकेट जाता है उसका। आप खोली भी भेज सकते हो या फिर फोन भी भेज सकते हो, तो हमने फोन ली थी। हमने जो उनके लिए कपड़े लिए हैं वो मैं कपड़े दिखाती हूँ, ये भी वही आंटी की शॉप से ली थी, पर इनके प्राइस भी बता सकती हूँ प्राइस नहीं बताऊँगी क्योंकि ये वहाँ जाएंगे इसलिए। ये पहले तो कुर्ता है, साथ में इसका ये दुपट्टा है, और ये है पैंट, ये भी बड़ा प्यारा पीस लगा था मेरे को, तो मैंने मतलब हम तीनों की चॉइस थी, मैं वरुणा मम्मी तीनों गए थे, तो हमारे तीनों की पसंद से हैं ये दोनों सूट। ये अनारकली में है, तो ये मैं तीनों के साथ, ये अनारकली में ब्लू कलर है इसका, और जो इसके साथ पैंट की हुई है उसका मैरून कलर है, इसका जो घेर है वो भी काफ़ी है, नीचे ये यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है, सेम यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये प्रिंटेड है, ठीक है। उन्होंने गारंटी ली है कि 6 वॉश तक ये नहीं जाएगा इसका प्रिंट, उसके बाद अगर उससे पहले चला जाए तो वापस हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा सबको। तो ये इसका नेक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है यहाँ पर, इसका नेक है, बैक से ये कुछ ऐसा है, तो ये भी काफ़ी प्यारा है। इसके मैं दुपट्टा दिखाती हूँ, दुपट्टे पे भी सेम गोटा पट्टी का वर्क दे रखा है, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये डिज़ाइन दी हुई है, और फुल दुपट्टे पे प्रिंट हो रखा है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगा था, ब्लू और मैरून का, और ये है इसकी पैंट। तो ये सब लेके आए थे, और मेकअप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, वो लिया था, और चूड़ियाँ थी जिसमें ग्रीन कलर की और रेड कलर के कंगन हैं। अगर मिल जाएगा तो मैं फ़ोटो वोटो लगा दूँगी, या फिर वीडियो में पहले आपको थोड़ा थोड़ा देखा होगा तो हो सब लिया था अगर कुछ कमी हो तो वो कमेंट में लिख देना, हम वो भी ले लेंगे। और हाँ, साथ में झूला पट्टी भी जाते, तो झूला पट्टी जो हमने मार्केट में देखी थी, क्योंकि सावन का महीना है तो झूला झूलते ना, तो इसकी वजह से नहीं, होने वाले दुल्हन के लिए झूला पट्टी जाती है, तो वहाँ पे वो टेम्परेरी थी, वो लकड़ी का पट्टी दे रखी थी और रस्सी भी बहुत पतली थी, तो हम मजबूत वाला काम करके भेजेंगे, हम वो पट्टी खरीदेंगे और मोटी वाली रस्सी भेजेंगे जिससे कि वो यूज़ हो सके, वो ना झूले घर में कोई भी झूल सकता है, बच्चे झूल सकते हैं, तो इसके लिए।
तो अभी मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।